कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफिस अंडर दिन की डेफिनीशन के मुतलक बात हो रही तो डेफिनीशन होती क्या है बेसिकली गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग बाय प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेफिनीशन और डेफिनेशन का काम यह होता है कि कूजा में दरिया को बंद किया जाता है बहुत बड़ी बात को मुख्तसरन बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करके बयान करने का नाम जो है वो डेफिनेशन है डेफिनेशन की मुख्तलिफ किस्में कुछ लैक्सिकॉन डेफिनीशन होती हैं जो कि डिक्शनरीज में मिलती हैं और कुछ डेफिनीशन जो हैं वो स्टैचूटरी डेफिनीशन होती हैं जो कि सिर्फ अनएक्टेड लॉज में मिलती हैं जो अनएक्टेड लॉज होते हैं वो नॉर्मली लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं या प्रोविंशल असम्बलीज होते हैं ये लॉज जो हैं इनमें तीन किस्मों की डेफिनीशन होती हैं एक एक्सक्लूसिव डेफिनीशन दूसरी इंक्लूसिव और तीसरी जो होती है वो एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव डेफिनीशन होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की निशानी यह है कि उसमें जो लफ्ज मीन है वो इस्तेमाल हो सकता है और या लफ्ज मीन्स के साथ जो है लफ्ज इस्तेमाल इस डेफिनेशन में होते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है इसमें लफ्ज आपको इंक्लूड या इंक्लूड्स मिलेगा और एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव डेफिनेशन में आपको लफ्ज मीन और मीन्स एंड इंक्लूड और इंक्लूड्स का लफ्ज मिलेगा ये निशानियां हैं इन डेफिनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आइए देखें ये डेफिनेशन वेजेस की क्या कहती है इसमें फीचर फीचरिंग की होगी कि वेजेस हम किसे कहते हैं तो वो फीचर्स को ढूंढते हैं कि इस वेजेस की डेफिनेशन में क्या फीचर्स हैं वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन इसका मतलब ये है कि वेजेस से मुराद हर किस्म की रेमुनरेशन है नेचुरली जब कोई शख्स कोई लेबर करेगा काम करेगा तो उसको फिर रेमोनरेट किया जाएगा उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा तो वेजेस मींस मीन्स डियर स्टूडेंट्स ऑल रेमोनरेशन कैपेबल ऑफ बींग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मानी तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रेमोनोरेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसको हम मानी दे सकें रुपयों में पैसों टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस इंप्लाइड वर फुल्ड तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वेजेस है ये किसी के नतीजे में दी जा रही है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वह एक्सप्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है एक्सप्रेस से मुराद है लिख कर बोलकर किया गया कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और इसमें बोलना और लिखना शामिल नहीं होता और अगर वेजेस पे हो रही हैं तो नेचुरली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसकी फुलफिलमेंट हो रही है वर्कर तो जो, जो है वो काम कर रहा है और इसके बदले में उस वर्कर को रेमोनरेट किया जा रहा है और कैसे पे हो रही है वेजेस बी पे एबल वेदर कंडीशनली अपॉन द रेगुलर अटेंडेंस के वेजेस पे हो रही है कि जो वर्कर है वो रेगुलरली अटेंड कर रहा है काम को गुड वर्क कर रहा है या उसका कंडक्ट और अदर बिहेवियर जो है वो बहुत प्रॉपर है सर्विसेज के हिसाब से और अदरवाइज टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ़ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट तो जो वेजेस मिल रही हैं वो वर्क डन के गेज भी मिल रही हैं एंड इंक्लूड्स अब यहां पर यह जो डेफिनेशन है यह एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव है यहां पे लव्स आ रहा है एंड इंक्लूड्स एनी बोनस और अदर एडिशनल रेमोनरेशन तो वेजेस की डेफिनेशन में बोनस जो पे किया जाता है वो भी शामिल है या कोई और एडिशनल रेमोनरेशन जो दी जा रही है वो भी शामिल है बट डज नॉट इंक्लूड अब वेजेस में क्या शामिल नहीं है ये जो मैं आपके साथ बातें करूंगा ये जो आपको फीचर्स बताऊंगा वेजेस में जो दिए गए हैं ये वेजेस में शामिल हरगेज हरगेज नहीं है तो कौन से वेजेस में शामिल नहीं है द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन कोई हाउस अकामोडेशन दी हुई है ये वेजेस में शामिल नहीं है सप्लाई ऑफ लाइट वेजेस में शामिल नहीं है वाटर जो सप्लाई है वो शामिल नहीं है मेडिकल अटेंडेंस जो है वो शामिल नहीं है और अदर अमेनिटी अगर कोई और सहूलत है तो वो शामिल नहीं है और ऑफ एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वो वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं इसके अलावा वेजेस में क्या शामिल नहीं है एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन और क्या शामिल वेजेस में नहीं है Any sum paid to the, to the person employed to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment. Hope you have understood the definition of wages. Thank you very much.